नीमच जिले के मनासा विकासखंड मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर कंजाड़ा पठार में भड़ा दोहन नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। मूल रूप से कंजाड़ा पठार के ग्राम पंचायत चौकड़ी के अधीन आने वाला भड़ा दोहा को झरनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। भड़ा दोहा में एक दुधवा नदी झरने के रूप में ऊपर से गिरती है, जो नदी का पानी गिरते ही तो यह झरना झरने का रूप ले लेती है। झरने और इसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। भड़ा दोहा में झरनेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए ग्राम पंचायत चौकड़ी के सरपंच प्रेमचंद धाकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि कई स्तर पर कोशिश कर रहे हैं ताकि इस स्थान पर मूलभूत सुविधाएं मिल सके, ताकि इस स्थान को पर्यटक स्थल घोषित किया जा सके। वहीं चौकड़ी के इस स्थान तक जाने में जंगल के 3 किलोमीटर तक का कच्चा रोड लोगों ने व पंचायत के द्वारा जन सहयोग से निर्माण किया गया है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार ग्राम पंचायत व ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है, पर अब तक कोई पहल नहीं हो सकी है। इस कारण यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है। भड़ा दोहा में काफ़ी समय पूर्व फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। प्रेमचंद्र धाकर ने बताया कि भड़ा दोहा के प्राकृतिक घटाओं के बीच पूर्व में काला सोना फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके बाद यह स्थान अधिक सुर्खियों में आया, लेकिन इसके बाद भी कायाकल्प की दिशा में कोई सुध नहीं ली गई है। झरनेश्वर महादेव अति प्राचीन स्थल, यहाँ पर 150 फीट की ऊंचाई से झरना गिरता है। सावन के महीने में हर सोमवार पर यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और इस झरने का आनंद लेते हैं। यह श्री चार भुजानाथ कंजाड़ा की प्राकृतिक स्थली है। अति सुरम्य और मन को लुभावने वाला आनंद यहाँ प्राप्त होता है। इस साल कोरोना की वजह से यहाँ पर कम लोग आ रहे हैं, फिर भी आसपास के लोग हमेशा यहाँ पर बने रहते हैं और यहाँ पर 2 वर्ष 30 महीनों से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है एवं ग्राम पंचायत के द्वारा इस रास्ते पर पूजा का निर्माण भी चालू किया जा रहा है एवं झरना दो तक सुदूर सड़क का निर्माण और आने वाले समय में यहाँ पे सर्व सुविधा युक्त सभी व्यवस्थाएं गांव वालों के सहयोग से एवं पठार के सहयोग से की जा रही है। नीमच जिले के मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।